सत्य के साथ। आज हम लोग एक तीसरे रोजगार मेले का आयोजन कर रहे हैं। सरकार की नीति है, हमारे विभाग का मिशन है, हमारे विभाग का ये उद्देश्य है कि जो भी छात्र छात्राएं हैं उनको एक उच्च गुणवत्ता पर शिक्षा मिले। मेरा नाम विजयलक्ष्मी भंडारी है। मेरा नाम सेंटी सैनी है। मेरा नाम अनुज सिंह राठौर है। माय नेम इज शिवानी रावत। मेरा नाम प्रिया है और मैं राजकीय पॉलिटेक्निक गौचर से आई हूँ यहाँ पे। आज यहाँ रोजगार मेला का आयोजन किया गया था और यहाँ से बाहर से बहुत कंपनी आई थी जॉब के लिए, और मैं यहाँ के सभी टीचर्स का और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे हित के लिए यहाँ कंपनी प्रोवाइड की है। और या आज हमने यहाँ कई कंपनियों में अपना इंटरव्यू दिया है, जिसमें कंपनी के द्वारा हमें बताया गया है कि वो हमें एक हफ्ते बाद कॉल करेंगी कि हमारा सिलेक्शन इसमें हुआ है कि नहीं हुआ है। इसलिए मैं सरकार का और कॉलेज का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। हमारे चाहे पॉलिटेक्निक्स हो चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, इतने बच्चों को उन देशों की लैंग्वेज जरूर पढ़ाई जाए जहाँ पर रोजगार की संभावनाएं ज़्यादा हैं। विगत वर्ष हमारा जो प्लेसमेंट था वो लगभग 64% का रहा था। इस बार हम लोगों ने ये लक्ष्य रखा है कि इसको बढ़ा करके 75% किया जाए। एक्चुअली हमारे यहाँ क्या, कुछ बच्चे उस शिक्षा में तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जैसे बीटेक करना है उसमें एडमिशन लेते हैं, कुछ बच्चे आपका सेम का रोज़गार लेते हैं, तो लगभग 75% बच्चे ऐसे होते हैं जो रोज़गार चाहते हैं। तो हमारा लक्ष्य है कि ऐसे 75% बच्चों को रोज़गार मिल सके, मतलब 100% रोज़गार का लक्ष्य हमने रखा गया है। जहाँ तक अभी तक बात करूँ हम लोग, तो हम लोगों ने अभी हमारे इस बार फाइनल वर्ष में कुछ 3,550 बच्चे अध्ययनरत हैं और उसमें से 1,637 बच्चों को ऑलरेडी रोज़गार हमारा मिल चुका है, मतलब 46% हमने सफलता अर्जित कर ली है। आप सब जानते हैं कि विगत 2-3 महीने से आचार संहिता लगी थी और उसके कारण थोड़ा सा मामला स्लो हुआ। हमने अभी काशीपुर में 30 अप्रैल को ही एक रोज़गार मेले का आयोजन किया था। ये रोज़गार मेले का आयोजन आचार संहिता के कारण थोड़ा सा विलम्ब से हुआ, लेकिन अभी देखिए बच्चों की परीक्षाएँ हमारी 11 जून से हैं, लेकिन 11 जून के पहले 46% बच्चों को रोजगार मिलना एक बहुत बड़ी सफलता है। सत्य के साथ।